उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कानून व्यवस्था को लेकर आलोचना झेलते हैं तो ऐसे में मंगलवार को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान भी हुआ। बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में दुश्मनी बढ़ गई है, तो कांग्रेस भी प्रियंका के नेतृत्व में भी विपक्ष की जगह लेने के लिए बेताब दिख रही है। प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव अखिलेश, मायावती और कांग्रेस के लिए खुद को साबित करने की चुनौती है। ये योगी सरकार को टक्कर देने में कौन सक्षम होगा? अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इस खबर को प्राथमिकता दी है। अखबार ने लिखा कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी को जीत मिली। कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव मध्यवर्ती और योगी सरकार के तीखे सवाल पर पूछा जाएगा। 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे ये संदेश जाएगा कि योगी के प्रति प्रदेश में लोगों का रुख 3 साल में कैसा बना है। इन 7 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान खुद संभाली। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती इस चुनाव को लेकर उसी तरह से मुखर नहीं दिखाई दिए जैसे तीनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री की तरह उपचुनाव में सक्रिय नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभाव करने और राम मंदिर निर्माण की उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं। वहीं हाल ही की रैली में योगी ने प्रदेश में कथित लव जिहाद को लेकर भी नया कानून बनाने की बात कही थी। इसके साथ ही गौ हत्या को भी कड़ी कार्यवाही करने के लिए घोषणा की। कानपुर में वांटेड विकास दुबे और उनके सहयोगियों के पुलिस की गोली से मार जाने के बाद भी बीजेपी के भीतर ही ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लगते रहे। इसके अलावा जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी और सांसद अदीक अहमद के कई ठिकानों पर भी पुलिस ने बुलडोजर चलाया। योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में एक रैली में कहा था कि उनकी सहानुभूति अपराधी, गुंडों और माफिया को लेकर कभी नहीं हो सकती। योगी ने कहा कि सरकार के इन कदमों से लोग खुश हैं लेकिन समाजवादी परेशान है। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी चारों ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हुए हैं। वहीं देवरिया सीट पर चारों पार्टियों ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं। देवरिया सीट बीजेपी विधायक जन्मेद सिंह की मौत के कारण खुली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ की रैलियों और सभाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 15 साल और राजस्थान में 5 साल की सत्ता विरोधी लहर के आगे भी सभी बड़े नेताओं को लुभाने की भाषण धुराधार साबित हो रही है। मसलन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के गृह जनपद सीकर में योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा के लिए जिले भर में बीजेपी का सूपड़ा साफ किया है। वही सीकर जिले के कुल 8 विधानसभा सीटों में भी बीजेपी एक सीट भी नहीं जीत पाई। यहां से 7 सीट कांग्रेस के खेमे में गई, जबकि एक अन्य सीट पर कांग्रेस के बागी महादेव सिंह खंडेल जीतने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।